ओके हे गाइस व्हाट्सअप, अगेन आ गई हूँ मैं दोबारा से हॉल वीडियो लेकर, जिसमें मैं आज आप लोगों के लेकर आई हूँ लहंगा मीशो हॉल वीडियो, मतलब फ्रॉम मीशो से लेकर आई हूँ। और छोटे बच्चों का भी लहंगा लेकर आई हूँ, बड़े को भी लेकर आई हूँ, और जो ट्रेंडी लहंगा चल रहा है वो लेकर आई हूँ, बिकॉज अभी ट्रेंड में चल रहा है वाइट लहंगा। तो आज मैं आप लोग लेकर आई हूँ एकदम वाइट, गोरे जैसा, दूध जैसा आप लोगों लेकर आई हूँ लहंगा। बहुत अमेजिंग मेरे को लहंगा मिला है, और मैं कुछ दुपट्टा भी लहंगा के लिए जो नेट का दुपट्टा आता है वो भी ऑर्डर की थी, सबको वो आ गया है, सारा का रिव्यू देती है, कुछ अभी बाकी आना। तो चलो इसको सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं, ये क्या है अभी तक मैं देखी भी नहीं हूँ। एंड ये क्या है यार मेरे को खुद याद नहीं है इस पर क्या लिखा है। आप देखो, ये मैं अपनी मम्मा के लिए चुनरी ऑर्डर की थी, वो आया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, रानी सत्या। और मैं इसको कितने में ऑर्डर की थी मेरे को याद नहीं है, और मेरे पास फ़ोन भी नहीं है जिससे मैं देखकर आप लोगों को बता सकूँ, बट डेफिनेटली यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिखा रही होंगी जितना मैं ऑर्डर की थी, और अभी करंट प्राइस क्या है वो मैं इधर लगा रही होंगी, तो आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हो अभी सस्ता हुआ या फिर नहीं हुआ, बिकॉज मेरे को खुद नहीं पता है। एंड इसका चेन खोल कर ओपन कर चुकी हूँ, और इसका पैकेजिंग मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ये ऑर्डर की थी, ये चुनरी वाला जो साइड में मड़वारी पैटर्न में नहीं रहता है वो वाला मैं ऑर्डर की थी, कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे रखने का है, यहाँ पे रखोगे एंड पीछे का लेंथ देख लेते हैं। कैसी लग रही हूँ, मेरा करवा चौथ है आज, पहला करवा चौथ, हाउ क्लीन आई एम, शाइन नहीं कर रहा गाइस, क्वालिटी नहीं लग रहा है इसमें, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन पुराना वाला मेरे को रखा वाला दे दिया है। बट इसमें जो डिज़ाइन है ना, वेलवेट का यहाँ पे डिज़ाइन है, इसमें आप लोगों को ये लटकन देखने को मिल जाएंगे, और इसमें गोटा पट्टी का वर्क किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं गोटा पट्टी का डिज़ाइन है, और इसमें लेसेस लगा हुआ है, पूरा नीचे भी गोटा पट्टी का है, टाइप का है इसमें डिज़ाइन, जैसे कि आप देख सकते हो पूरे में यहाँ पे लेसेस लगे हुए हैं, एंड इसमें भी पूरा साइड में लेस लगा हुआ, सब कुछ अच्छा है गाइस। जितने में मैं ऑर्डर की थी ना, आई थिंक सो मैं इसको 400 रुपये समथिंग में ऑर्डर की थी, याद नहीं है मेरे को, बट ये बहुत सुंदर है। बट यार ये मेरे को ना शाइन नहीं करा, ऐसा लग रहा बहुत पुराना वाला मेरे को रखा वाला दे दिया है। और बहुत सारे मैं बच्ची के ड्रेसेस ऑर्डर की थी जो कि 1 तारीख को डिलीवर होगा, 30 तारीख को मैं बहुत सारे ब्रशेस ऑर्डर की थी मेकअप करने के लिए, और घर के लिए एक होता है ना डिस्पेंसर ऑयल वाला, वो ऑर्डर की थी जो 25 तारीख को होगा। देन मैं यहाँ पर बच्चों के लिए 2 लहंगे ऑर्डर की थी, जिसका प्राइस अभी मेरे पास फ़ोन आ गया था, मैं प्राइस आराम से देखकर बता सकती हूँ, बिकॉज़ अपने भाई से मंगवाई थी। ग्रीन कलर का प्राइस मेरे को पड़ा है 312 रुपये गाइस, और मैं 312 ही रुपये पे की थी, और इसका अभी भी प्राइस 312 ही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रीन वाला देख लेते हैं, बिकॉज ग्रीन का प्राइस है 312 रुपये। तो ये है यहाँ पर ब्लाउज़ बेबी का, बहुत क्यूट है कलर कॉम्बिनेशन, मेरे को मैजेंटा पिंक है और यहाँ पे लाइट ग्रीन है, मेरे को दोनों बहुत सुंदर लग रहा है। और पीछे आप लोगों को यहाँ पे टाइट करने वाला भी मिल जाएगा। मैं उसको ऑर्डर की थी 3 to 4 ईयर्स वाले बच्चों के लिए, और इस ब्लाउज़ का लेंथ कुछ इस टाइप का, अगर आपके घर में भी आपकी बहन छोटी सी या फिर कोई भी हो छोटी सी लड़की कन्या, तो आप डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हो, बिकॉज़ मेरे को क्वालिटी बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ मैं इसको ऑलरेडी खोल कर देख ली थी, बिकॉज़ चुल मच रहा था, मैं इसको ऑर्डर की हूँ अपनी भगनी के लिए यानी कि नीस के लिए। और इसका जो लेंथ दुपट्टे का ना, ये काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हो दुपट्टे का लेंथ है ग्रीन एंड मैजेंटा पिंक का कॉम्बिनेशन, और ये है लहंगा। लहंगे में उतना घेर नहीं है, बट बाहर में नेट का है और अंदर से इसका अस्तर लगा हुआ है, और अस्तर का क्वालिटी एकदम लाइक मोटे कपड़े में है, बिल्कुल भी ट्रांसलूसेंट नहीं है कि लाइक सी थ्रू हो, बहुत अच्छा है। और ये नेट का है, नेट का फैब्रिक भी एकदम सॉफ्ट है, गटने वाला फैब्रिक नहीं है गाइस, और 312 रुपये में आपको इतना सुंदर लहंगा कहीं पर भी देखने नहीं मिलेगा ऑफलाइन, तो डेफिनेटली आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं येल्लो वाला लहंगा को, जो हल्दी में मेरी नीस पहनने वाली है, इसका लेंथ कुछ इस टाइप का, ये थोड़ा छोटा आया है, आई थिंक सो मैं इसको 2 to 3 वाले बच्चे के लिए ऑर्डर की थी, ईयर वाले ये मैं छोटा के लिए ऑर्डर की थी, बट दोनों परफेक्ट आ रहा है, और जो ग्रीन वाला वो थोड़ा सा लंबा आ रहा है। तो या इसका दुपट्टा है ये, और क्वालिटी दोनों का सेम ही है, दोनों सेम फैब्रिक में मेरे को मिला है। और येल्लो वाला का क्या प्राइस था वो बताती हूँ मैं आप लोगों को। येल्लो वाला भी गाइज मैं 312 में ही ऑर्डर की थी,
और ये है येलो वाला को लहंगा, वैसे सेम फैब्रिक सब कुछ सेम है, अंदर में अस्तर लगा हुआ है और नीचे फ्लेयर टाइप में है और यहाँ पे बांधने वाला है, मीन्स यहाँ पे टाइट कर सकते हो आप। तो इस टाइप का इसका स्कर्ट है और इसका ब्लाउज नीचे गिर गया था तो अभी उठाकर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है ब्लाउज, छोटू सा क्यूट सा, कितना क्यूट लग रहा है ना, बच्चों के कपड़े मेरे को बहुत क्यूट लगते हैं। उसके बाद मैं यहाँ लहंगे के लिए दुपट्टा ऑर्डर की थी जो कि नीचे घुस चुका है और ओपन करके बिल्कुल भी नहीं देखी हूँ, आप खुद देख सकते हो। पैकेजिंग अच्छा है और इसका प्राइस मेरे को 288 रुपये पड़ा था। लेट्स सी कैसा है, देखती हूँ। एंड इसका नेट मेरे को लाइक टच करके थोड़ा अजीब लग रहा है, क्वालिटी नेट का अच्छा नहीं है गाइस, बहुत खुरदुरा है, गढ़ने वाला है। एक होता है ना सॉफ्ट नेट, एक होता है हार्ड हार्श करने वाला नेट, तो ये है हार्श करने वाला नेट और इसमें मोती लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो साइड साइड में बॉर्डर में मोती लगा हुआ है और बीच बीच में कुछ इस टाइप का बूटा टाइप में बना हुआ है, आप देख सकते हो पूरा सेम है। इधर लाइक जो इधर डिज़ाइन होता है ना, यहाँ पर कोई भी बॉर्डर में वर्क वगैरह नहीं है, पूरा सिंपल है। बट जो इसका लेंथ में है, लेंथ में पूरा बॉर्डर में वर्क किया हुआ है और इस दुपट्टे का लेंथ काफ़ी अच्छा है, आप आराम से इसको लहंगा में ले सकते हो। इसको मैं ओनली 173 में ऑर्डर की थी गाइज, एंड 173 में ऑर्डर की हूँ और इस ये ना बहुत ज़्यादा लाइट कर रहा है, ये लग नहीं रहा कि इतना सस्ता लहंगे का दुपट्टा होगा और इसका भी लेंथ बहुत अच्छा है। आप अगर दुपट्टे का ऐसे कुर्ती वगैरह के लिए अगर आप सिंपल दुपट्टा लेने जाओ ना मार्केट में तो 150 रुपये से कम नहीं लेगा, बट आपको 173 में 20 रुपये ओनली ज़्यादा, यानी कि 23 रुपये ओनली ज़्यादा आप लोगों को लगाना है और आप लोगों को ऑनलाइन मीशो से आप लोगों को लहंगे का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, बीच बीच में इसमें मोती का वर्क किया हुआ है, बट इस मोती को अगर आप 2-3 बार धुलोगे तो ये मोती ब्लैक पड़ने वाला है, बिकॉज थोड़ा बहुत अभी ऐसा लग रहा है कि ये ब्लैक हो जाएगा और सूते से वर्क है, मोती नहीं निकलेगा और साइड साइड में पूरा लाइक बॉर्डर बना हुआ है और लेसेस लगे हुए हैं और यहाँ पे कुछ इस टाइप का लटकन लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो यार मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, आप डेफिनेटली सारा कुछ ऑर्डर कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक ऑर्डर की थी लहंगा, बट हाँ मीशो से नहीं की थी, मैं आजियो से की थी। अगर इसका फुल डिटेल चाहिए ना, क्योंकि इस टाइप का जैसे कि आप देख सकते हो, और इसका पूरा रिव्यू मैं पूरा रिव्यू इसलिए नहीं दी बिकॉज गाइस मेरे कैमरा का बैटरी लो हो गया है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, ये आजियो से मंगाई थी, ये भी कारण है कि मैं रिव्यू नहीं दी। नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैं आप लोगों को इस लहंगे का रिव्यू दूंगी, सो स्टे ट्यून फॉर दी नेक्स्ट वीडियो।